आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ अभिजीत दुबे सर हैं और मिशन 50 में हैं। आप देखिएगा, सर के द्वारा बहुत बड़ा सर्वे कराया गया है, सर ही से जानेंगे किस क्लास में कितना सर्वे करा है और सबका एक एक करके 1 to 5, 4, 6 to 8 हो, 9, 10th हो या 11, 12th हो, सबका सर अलग अलग कैटेगरी वाइज सब कुछ कट अप जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें। सर का स्वागत है एग्जाम टूर। चलिए धन्यवाद सर। कितना लोग का ये सर्वे जो आप कराए? देखिए, ये जो कट ऑफ हम लोगों ने बनाया है ये लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फीडबैक अप्रोक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट्स से बातचीत करने के बाद, उनका फीडबैक लेने के बाद, इतने दिन के अंदर में जो हम लोगों ने बातचीत किया, जो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स थे ऑनलाइन ऐप पे हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्लास कर रहे थे, Tier 1, Tier 2, Tier 3 का हम लोगों ने बैच लिया था, उसके सारे जो कट ऑफ देखे थे, उन सभी चीजों को देखते हुए ये एक फाइनल कट ऑफ हम लोगों ने बनाया है। फाइनल कट ऑफ बनाया है कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा। अब क्या है कि स्टूडेंट जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी जो वो स्कोर देख रहे होंगे अपना, वो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे, जो यूट्यूब इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर्स कराए हैं उसके बेसिस पर, जिसमें ये देखा गया है हर बार टीयर वन में भी, टीयर टू में भी और टीयर थ्री के अंदर में भी हम देखेंगे कि ऐसा होता है कि जो आंसर YouTube से जारी किया जाता है और जब आयोग अपना आंसर जारी करता है तो उसमें 7-8 क्वेश्चन में वेरिएशन होता है, 7 से 8 क्वेश्चन में वेरिएशन होता है, तो उस वेरिएशन को भी ध्यान में रखेंगे विद्यार्थी। तो एक तो हमने ये अभी एक कट ऑफ जारी किया है, फिर हम एक कट ऑफ और जारी करेंगे जब बीपीएससी अपना आंसर की जारी कर देगी तब, उसके बाद। लेकिन तत्काल आप समझ सकते हैं कि ये एक सबसे यूनिक कट ऑफ रहेगा, क्योंकि लगभग 2 लाख विद्यार्थियों से जो ऑनलाइन ऑफलाइन टेलीग्राम में ऐप के माध्यम से, मिशन 50 का जो ऐप है उस ऐप पे जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ, यूट्यूब के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट, उन सबके साथ गहन विचार विमर्श करने के बाद, पेपर को देखने के बाद, आंसर्स को देखने के बाद, हम लोगों ने एक फाइनल कट ऑफ तैयार किया। 1 to 5 का क्या कट ऑफ? देखिए 1 to 5 में जो कट ऑफ रहने का इस बार जो चांसेस है ये रहेगा 78 से 82, 78 से 78 से 82 के बीच जो है वो 1 to 5 में कट ऑफ रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल मेल अनरिजर्व्ड का, है ना, ये बता रहा हूं। और इसमें अगर फीमेल की आप बात करेंगे तो 5 से 7 नंबर का अंतर रहेगा फीमेल में, 5 से 7 नंबर का अंतर रहेगा फीमेल में। और बाकी जो आप, चूंकि सबका बताना ये नहीं है, हमने इसलिए हमने एक जनरल को टारगेट किया है और उसमें से हर कैटेगरी में आप 5 नंबर माइनस करके आप जा सकते हैं इसी स्कोर के बेसिस पर 1 to 5 में। तो 1 to 5 में 78 से 82 के बीच रहने वाला है कट ऑफ, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सर सुप्रीम कोर्ट से यदि फैसला आ जाता है कि पुराने नियम पर होगा तो कट ऑफ वेरी करेगा? देखिए पुराने नियम पे अगर होता है तो बहुत ज्यादा वेरी करने का संभावना नहीं है, लेकिन अगर जो बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है अगर उसको ऐड कर दिया गया तो इसमें वेरिएशन बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल वेरिएशन बड़े स्तर पर देखने को। चलिए 6 to 8 का सर अलग अलग सब्जेक्ट। हाँ देखिए 6 to 8 में जो कट ऑफ रहेगा SST के अंदर में वो 80 से 85 के बीच में रहने का चांसेस है SST का। हाँ SST का 80 से 85 के बीच में रहेगा 6 to 8 में। 6 to 8 में इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, है ना, इससे कम जा सकता है, ज्यादा जाने का संभावना नहीं है, 80 से 85 के बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आप कट ऑफ नहीं पूछ रहे हैं शिक्षक लोगों से। देखिए सभी शिक्षक अलग अलग विद्यार्थी से मिलते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे सर्वे कराते हैं, इसलिए सबका कट ऑफ सुनना जरूरी है। आप भी अपना मिला सकते हैं, देख लें कौन सर कितना कट ऑफ जारी कर रहे हैं। कट ऑफ है ये 100% सही नहीं हो सकता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी आंसर की सर नहीं आया। बिल्कुल अभी जो ये आंसर की आयोग ने डाला नहीं है, अभी जो कुछ भी है वो हम लोगों ने जो आंसर बनाया है या जो यूट्यूब के आंसर है उसी के स्तर पे है या जो है, हालांकि जो हम लोगों ने जो आंसर बनाया है वो NCERT और SCERT के बुक से बनाया है, तो हमारे आंसर से बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होने का चांसेस है। लेकिन जो ई ऑप्शन जो रहता है ना कि एक से अधिक उनमें से कोई नहीं, वो जरूर थोड़ा सा विद्यार्थी को भी कंफ्यूज करता है और आयोग को भी सेफ जोन में लेकर के चला जाता है, तो उस बेसिस पर एक आध दो आंसर बदलने के चांसेस हमेशा रहते हैं और वो बदलते भी हैं सर। और नेक्स्ट सब्जेक्ट, हाँ चलिए इसके बाद अगर 9, 10th में भी हम SST की बात कर ले कि वहां पर क्या रन रहेगा स्कोर, वहां पर क्या रहेगा, तो 9, 10th में आप 78 से 84 के बीच में जो है सो कट ऑफ रहने का चांसेस है, 78 से 84 के बीच। अब आते हैं
कि मैथ में क्या कट ऑफ रहेगा। तो मैथ में 6 to 8 में, 6 to 8 में मैथ में जो कट ऑफ रहने का चांसेस है वो 78 से 85 के बीच में रहने का चांस है मैथ के अंदर में। 9 to 10 में अगर मैथ की हम बात करें तो 78 से 82, 78 से 82 यानी कि दोनों लगभग आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन होने का चांसेस नहीं है। 11, 12 में हमने अलग से एक कट ऑफ मैथ का दिया है, बाकी का तो हम एक होलिस्टिक बताएंगे किसमें रहेगा, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है, सबका अलग अलग बताना मुश्किल है, लेकिन एक बताएंगे जिसके अंदर में सब चीज रहेगा। लेकिन मैथ में मैं आपको कहने जा रहा हूं कि मैथ में 90 से 95 के बीच में कट ऑफ रहने का चांस। ऐसा क्यों है इतना भारी? ऐसा, हाँ, ऐसा इसलिए है, ये वेरिएशन इसलिए है क्योंकि मैथ का पेपर जब आप 11, 12 में देखेंगे वो किस तरीके का रहा है, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहा है। और पिछले बार के भी आप कट ऑफ को देखेंगे तो कट ऑफ इसी के आसपास था। तो और इस बार पेपर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है मैथ के लेवल पर, जो उस समय था वो इस समय था। हाँ, थोड़ा सा ये है कि इस बार मैथ के हर सेक्शन को टच किया गया है। सबसे ज्यादा सवाल मैथ में कैलकुलस से पूछे गए थे, सबसे ज्यादा। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने के वजह से स्टूडेंट के स्कोर करने के आधार पर, जो हमारी बातचीत हुई है उसके आधार पर 11, 12 में आप ये मान के चलिए कि 90 से 95 के बीच ही मैथ का कट ऑफ रहने वाला है। इसके ऊपर नहीं जाएगा और इससे बहुत नीचे भी नहीं आएगा। ये नहीं कि स्टूडेंट को खुश करने के लिए कि नहीं बहुत नीचे जाएगा, 70 वाले भी खुश हो जाए, तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा। 90 से 95 के बीच ही उनका कट ऑफ जो है सो रहेगा। हिंदी सर, चलिए, हाँ, हिंदी की बात करते हैं। आज मैं बताऊं, आज सुबह सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने फोन किया हिंदी को लेकर के, स्पेशली कि सर हिंदी में क्या रहने वाला है कट ऑफ। तो हिंदी पे और वहां पे आप देखिए कि 6 to 8 में अगर हम बात करें तो 67 से 72 के बीच में ये जो है सो कट ऑफ रहेगा, 67 से 72। और यहां पर 68 से 72, यहां पर भी 68 से 72 के बीच में, यहां 67 से 72 के बीच में, यहां 68 से 72 के बीच में 9 to 10 में। और 11, 12 की बात करें हिंदी में, जो कि खासकर आज सुबह जो हिंदी कट ऑफ पे हमने विद्यार्थियों से फीडबैक लिया, जो बातचीत हुई, तो उसमें आप कहे कि 75 से 80, 75 से 80 के बीच में जो है ये कट ऑफ रहेगा हिंदी का 11, 12 के अंदर। 6 to 8 का थोड़ा सा कम है, 9, 10 का कम है, लेकिन 11, 12 का बढ़ जा रहा है। 11, 12 का बढ़ जा रहा है क्योंकि पिछले बार भी आप देखिएगा तो इसी के अप्रोक्स में रहा था कट ऑफ, और पेपर पिछले बार की तुलना में कोई ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, लेकिन इस बार क्या था पेपर में कि लिटरेचर के प्रश्न ज्यादा थे, साहित्य के प्रश्न ज्यादा थे, इसलिए हमने 75 से 80 का रखा है टारगेट कि इसी के बीच में चीजें रहेंगी, विद्यार्थियों ने पढ़ा है और टाइम अच्छा खासा मिल गया इस दफा। इस दफा में अच्छा खासा, फरवरी में होना था एग्जाम, कैंसिल हुआ और उसके बाद जाकर के जुलाई में एग्जाम हुआ है, तो टाइम लिया है, विद्यार्थियों ने पढ़ा है। मैक्सिमम विद्यार्थियों से आज सुबह मैं आपको बताऊं कि हिंदी के केवल विद्यार्थियों से मेरी आज सुबह में 15 से 20 विद्यार्थियों का फोन आया, मैसेज आया, उनसे बातचीत हुई, वो सब कह रहे थे कि सर 87 हमारा सही हो रहा है, 87 तक वो लोग सही कर रहा था। लेकिन हमने भी कहा कि ठीक है, अगर आपका सही हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अभी आयोग का आंसर की आने दीजिए, आयोग के आंसर की से कुछ वेरिएशन हो जाएगा। तो उसी फीडबैक के बेसिस पर 75 से 80 का जो है सो हिंदी में रखा गया है कट ऑफ, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें कि साइंस में क्या कट ऑफ रहेगा 6 to 8 में, तो साइंस 6 to 8 में साइंस मैथ एक ही ना होता है। हाँ, साइंस मैथ, तो वही आप देखेंगे तो ये यहां पर आपको वेरिएशन नहीं होगा ज्यादा, इसी से मैच करता हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो हमने यहाँ पे रखा है कि 76 से 80 के बीच में अगर कोई विद्यार्थी है तो वह अपना जो है सो सेफ स्थिति में है। 9, 10 में अगर आप देखेंगे कि 9, 10 में मैथ्स में क्या होगा, तो 9, 10 में 80 से 85 के बीच में अगर कोई विद्यार्थी मैथ में किए हुए है तो मान के चलिए कि वो ठीक ठाक स्थिति में। 11, 12 में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 11, 12 में मैथ में क्या होने वाला है, ठीक है। सोशल साइंस की अगर हम बात करें 6 to 8 के अंदर में, तो यहां पर आपको 78 से 82 के बीच में जो है सो कट ऑफ रहने का चांसेस है। 9 to 10 में ये 68 से 72, 68 से कम रहेगा, हाँ कम रहेगा, क्योंकि पेपर जो है सो वो अंतर रहा है, यहां पर पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहा है, यहां पर मॉडरेट पेपर रहा है, इसके वजह से यहां पर कट ऑफ जो है सो 68 से 72 के बीच रहने वाला है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का गंभीर चर्चा हुआ विद्यार्थियों के बीच, क्योंकि इंग्लिश एक तो हमारे बिहार में इंग्लिश की थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ी रहती है, अब तो ठीक है कि थोड़ा पढ़ाई होने लगा, नहीं तो हम लोग जब स्कूल के अंदर में पढ़ा करते थे तो क्लास 6 में इंग्लिश पढ़ते थे, ऑन द टेबल, इन द टेबल, ये सब पढ़ाया जाता था, तो इंग्लिश की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती है हम लोग के यहाँ। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो 6 to 8 में जो है वो 65 से 70 के बीच में रहने का चांसेस है,
नाइन टेंथ में ये भी ये 65 से 72 के बीच ही, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा और बहुत हाई जाने का चांसेस नहीं है इसमें। आप मान लीजिए कि 72 के नीचे रहेगा, 72 मैक्सिमम नंबर है, इस मैक्सिमम नंबर से नीचे ही कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे सारे आपके कट ऑफ है, लेकिन 11-12 में और भी बहुत सारे विषय रहे हैं, ठीक है। 11-12 में अगर स्पेशली मैं एक विषय की बात करूं, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऐसा विषय रहा 11-12 में जो कि आप कह सकते हैं कि आसान रहा, है ना, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछेगा हिस्ट्री में। इंडियन नेशनल मूवमेंट खूब पूछा, वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल ही नहीं पूछा, जबकि 11-12 में पूछना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं था, मॉडर्न हिस्ट्री से था ना, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से था। ऐसा लग रहा था कि 1-5 का पेपर 11-12 में दे दिया, इतना आसान था, क्योंकि 1-5 में नेशनल मूवमेंट था और नेशनल मूवमेंट पूछा 11-12 में, तो वहां पर अगर विद्यार्थी बढ़िया से पढ़ के गए होंगे तो जरूर मैक्सिमम सही करके आएंगे। तो 11-12 में हिस्ट्री का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 85 से 90 के बीच में जाने का उम्मीद है, उससे नीचे नहीं रहेगा क्योंकि पेपर आसान था। लेकिन अगर आप अन्य विषय की अगर बात करेंगे तो वहां पर आप बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, आप मान लीजिए कि 75 से 85 के बीच में ही, 75 से 85 के बीच में ही 11-12 में अन्य विषयों में कट ऑफ रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। कुछ विषय में ऐसी संभावना है कि 75 से कम भी जा सकता है, लेकिन 85 से ऊपर अन्य किसी में नहीं जाएगा। तो यदि विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम में है और 75-85 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आपको कहीं भी डाउट लगे, कहीं भी लगे कि नहीं सर इससे थोड़ा सा बढ़ सकता है या घट सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। रही बात कट ऑफ को लेकर, तो सभी शिक्षक अलग अलग अपने स्तर से कट ऑफ जारी कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग सर्वे कर रहे हैं, सभी लोग स्टूडेंट से मिल रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट आके बता रहे हैं कट ऑफ भी जारी किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे का कॉल भी आता है मेरे पास कि सर कट ऑफ पर चर्चा नहीं हो रहा था, बहुत लोगों को दुख भी लगता है, लेकिन आप इसको मिला लें। यदि लगे कि नहीं इतना हम 60% भी नहीं लाए हैं, 70% भी नहीं लाए, तो आगे TRE4 की तैयारी में लग करें। बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी से TRE4 की तैयारी करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, अगर शिक्षक बनना है तो ये आपको NCERT और SCERT ही पढ़ना होगा, बाकी कुछ ये मार्केट में जो बहुत सारे चीजें चल रही हैं वो सब छोड़ करके बुक खरीदिए। TRE4 में का तैयारी कर तो बुक खरीदिए, आप बुक को लाइन टू लाइन पढ़िए। NCERT में जो कॉलम बना करके जो इन्फॉर्मेशन होता है, मैं बार बार कहता हूं, क्लास में भी कहता हूं कि कॉलम का क्वेश्चन डायरेक्ट BPSC पूछ रहा है, और इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा है, NCERT जब आप लोग पढ़ते होंगे तो साइड में कॉलम बनता रहता है, कॉलम में कहता है तथ्य को जाने, और वही तथ्य सीधे उठा के BPSC पूछ रही है, सीधे पूछ रही है, माने कि जो पैराग्राफ में पढ़ू नहीं, तथ्य वाला। तो अगर शिक्षक बनना है TRE4 में कंफर्म, अगर यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है तो NCERT लाइन बाय लाइन और टेबल का इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पढ़ के याद कर लीजिए, कोई आपका एग्जाम नहीं रुक पाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।